भरवा गोलगप्पा, कुरकुरे मोमोज, वेज बर्गर, मिक्स सॉस पास्ता, सिंगापुरी नूडल्स, फ्राइड राइस विद मंचूरियन, चिली पटेटो। इसकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी लग रही है। पनीर की स्टफिंग करी हुई है, तो ये इनका वेज ही बर्गर है। वेलकम बैक टू द चैनल इंडिया एट मेनिया। आई एम दिव्या नेगी एंड आज मैं हूँ कृष्णा नगर मेन मार्केट में। दिस मार्केट ऑल्सो कॉल्ड लाल क्वार्टर मार्केट, इट इज़ अ क्नॉट प्लेस, इनफैक्ट इट इज़ अ मिनी क्नॉट प्लेस ऑफ ईस्ट दिल्ली। मैं यहाँ पर आज आई हूँ एक आउटलेट पे जिसका नाम है इंटरनेशनल चटकारा। दिस आउटलेट हैज अ वेरी यूनिक नेम, इंटरनेशनल चटकारा। तो अब जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्लेस का नाम इंटरनेशनल चटकारा क्यों पड़ा है और इस आउटलेट पे ये क्या क्या फूड आइटम सर्व करता है। सो मैं बात करती हूँ यहाँ के ओनर से। हेलो सर। हेलो। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आपने इस आउटलेट का नाम इंटरनेशनल चटकारा, ये कैसे सोचा? तो सोचने की बात इसमें बिल्कुल है, क्योंकि जनरली चटकारा मीन्स अ गुड टेस्ट इन योर माउथ। तो हम लोगों ने क्या किया कि जनरली लोग एक ही तरीके का खाना खाते हैं, एक ही तरीके का खाना खाते हैं मीन्स के वो सिर्फ इंडियन ही खाते हैं या सिर्फ चाट ही खाते हैं या सिर्फ चाइनीज खाते हैं। हमने क्या किया, सारे क्यूजींस को एक ही जगह पे लैंड कराया। एक ही जगह पे लैंड कराने से क्या हुआ कि एक ही आउटलेट पे आप चाट खा सकते हैं, एक ही आउटलेट पे आप चाइनीज खा सकते हैं, एक ही आउटलेट पे आप पास्ता खा सकते हैं इटालियन, एक ही आउटलेट पे आप अमेरिकन फ्राइज, अमेरिकन बर्गर खा सकते हैं, शेक्स को एंजॉय कर सकते हैं, मोहितो, सो मेनी थिंग्स। इंटरनेशनल आपको इंटरनेशनल टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, सिर्फ एक नहीं बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। इस आउटलेट में हमने बहुत बड़ी रेंज एक मेंटेन करी है, एक छोटी सी जगह पे लोगों को टेस्ट कराने के लिए। इस रेंज में हमने चाट भी रखी हुई है, आप चाइनीज खाना चाहते हैं चाइनीज भी है हमारे पास, उसके बाद आप अगर इटालियन टेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास इटालियन पास्ता की चार रेंज है। और उसमें सबसे यूनिक चीज़, हम पूरे एरिया में सबसे पहले हैं जिसने तंदूरी पास्ता यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है। इट्स ए फ्यूजन ऑफ इंडियन पास्ता एंड इटालियन पास्ता, तंदूरी पास्ता इंडियन लोगों के लिए। और उसके बाद आप थोड़ा और लाइट वेट मंचिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास बर्गर्स हैं, फ्राइज हैं, पेरी पेरी फ्राइज, पूरे एरिया में दूर दूर से लोग लेने आते हैं पेरी फ्राइज। उसके साथ में आप लोग अगर कॉम्बो लेना चाहते हैं तो हमारे पास शेक्स हैं, मोहितो है, बहुत बड़ी रेंज है। तो सर आप हमें सजेस्ट करिए यहाँ का फेमस फूड आइटम। आप चिंता मत कीजिए, आप कुछ खाना चाहते हैं बिल्कुल आप 2-4 मिनट इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए डिलीशियस डिशेज यहाँ पे सर्व करवाता हूँ। ओके सर, इंतजार कीजिए। थैंक यू। बहुत सारे फूड आइटम्स दिख रहे हैं, सो मैं आपको बताती हूँ इन्होंने हमें कौन कौन से फूड आइटम सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है भरवा गोलगप्पा, दिस इज़ कुरकुरे मोमोज, ये बर्गर, ये इनका है मिक्स सॉस पास्ता, दिस इज़ सिंगापुरी नूडल्स, फ्राइड राइस विद मंचूरियन, लास्ट वन इज़ चिली पटेटो। तो इनके साथ इन्होंने हमें सर्व किया है वर्जिन मोहितो एंड दिस इज़ चॉकलेट शेक, ये इन्होंने हमें साथ में दिया है जलजीरा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टेस्टिंग सेक्शन। तो मैं अपनी पहले आइटम से स्टार्ट करती हूँ। दिस इज़ भरवा गोलगप्पा, इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टफ्ड गोलगप्पा। आप जैसा देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लग रही है, ये बहुत ही कलरफुल लग रहा है। इन्होंने हमें गोलगप्पे में दही, सॉस, सेव, कोरिएंडर के साथ गार्निशिंग और पोमीग्रेनेट भी डाला हुआ है। सो मैं पहला अपना भरवा गोलगप्पा टेस्ट करती हूँ। टेस्ट अमेजिंग, प्रॉपर दिल्ली वाली चाट का स्वाद आ रहा है इसमें, बहुत रिफ्रेशिंग भी है। दही का यूज़ हुआ है वो काफ़ी फ्रेश है, दिखने में काफ़ी अच्छा है, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट मूव टू हमारी नेक्स्ट आइटम, कुरकुरे मोमोज। सो कुरकुरे मोमोज, उन्होंने कुरकुरे मोमोज को ऊपर से गार्निश किया हुआ है ऑरिगेनो के साथ और चिली फ्लेक्स के साथ। इन्होंने हमें साथ में दी है मोमोज चटनी एंड मेयोनीज, जिसको इन्होंने गार्निश किया हुआ है ऑरिगेनो के साथ। सो मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। सो ये कुरकुरे मोमोज जैसे नाम में ही है कुरकुरे, तो इसमें ये काफ़ी क्रिस्पी है, वेल कुक्ड हैं और इसकी अगर स्टफिंग देखी जाए तो पनीर की स्टफिंग करी हुई है जो कि काफ़ी टेस्टी लग रहा है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर दे रही है, काफ़ी क्रिस्पी है तो काफ़ी टेस्टी भी लग रहा है। मोमोज की चटनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको अगर आप वर्जिन मोहितो के साथ पिएंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट मूव टू थर्ड आइटम विच इज़ सिंगापुरी नूडल्स। सो सिंगापुरी
सिंगापुरी नूडल्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कलरफुल सा लग रहा है। इन्होंने बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया हुआ है पनीर के पीसेस के साथ, और इन्होंने इसमें कैप्सिकम भी डाला हुआ है। अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये टेस्ट में कैसा है। इस नूडल्स का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं। ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और ज़्यादा ब्लैंड भी नहीं है, ओवरऑल टेस्ट अमेजिंग। नेक्स्ट मूव टू, तो दो आइटम चाइनीज़ फिनिश करने के बाद मैंने सोचा कि अब हमें कुछ इटालियन टेस्ट करना चाहिए। तो ये मिक्स सॉस पास्ता मैं अभी टेस्ट कर रही हूँ। तो इसका कलर काफ़ी अमेजिंग लग रहा है और इसे इन्होंने गार्निश किया हुआ है ओरिगैनो के साथ। इसमें कैप्सिकम भी है, आप देख सकते हैं मिक्स सॉस पास्ता का पहले कलर कितना अमेजिंग आया हुआ है। सो अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ। ये इटालियन क्यूजीन ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, इनफैक्ट ये काफ़ी अमेजिंग हो रही है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये काफ़ी सॉसी है, जो इन्होंने इसमें सॉस यूज़ की हुई है जो इनकी मिक्स सॉस है, ये काफ़ी अमेजिंग लग रही है। और जो इन्होंने ओरिगैनो ऊपर से गार्निश किया हुआ है, उसके साथ एक और भी इसका जो फ्लेवर है वो इनहेंस हो गया है, तो ये मुझे काफ़ी अमेजिंग लग रही है। सो नेक्स्ट मूव टू आवर फिफ्थ आइटम, विच इज़ कॉम्बो ऑफ फ्राइड राइस एंड मंचूरियन। तो चार आइटम को टेस्ट करने के बाद मैं फाइनली अपनी फिफ्थ आइटम में पहुँच गई हूँ। बीच बीच में अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आई शुड हैव अ सिप ऑफ वर्जिन मोहितो। मेरी फिफ्थ आइटम है कॉम्बो ऑफ फ्राइड राइस एंड मंचूरियन। फ्राइड राइस काफ़ी कलरफुल लग रहे हैं, इसमें भी इन्होंने बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ की है। इन्होंने बेबी कॉर्न, स्प्रिंग अनियंस, अनियंस एंड कैप्सिकम ये यूज़ किया हुआ है। इन्होंने मंचूरियन को भी गार्निश किया हुआ है स्प्रिंग अनियंस के साथ। तो अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा है। तो मंचूरियन की ग्रेवी काफ़ी थिक है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कॉम्बो ऑफ फ्राइड राइस एंड मंचूरियन टेस्ट में भी काफ़ी अमेजिंग है, जितने दिखने में अमेजिंग है टेस्ट में उससे ज़्यादा अच्छा है। और जैसे मैंने बताया कि मंचूरियन की ग्रेवी काफ़ी थिक है और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है कॉम्बो ऑफ फ्राइड राइस एंड मंचूरियन, उतना ये टेस्ट में भी अच्छा है। ये इसके साथ काफ़ी अच्छी लग रही है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया गया है जिससे कि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो नेक्स्ट जम टू आवर लास्ट आइटम, दिस इज़ वेजी बर्गर। आप इसके ऊपर एक छोटू सा फ्लैग देख रहे होंगे जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा है और जो ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये काफ़ी डिलीशियस होने वाला है। मैं इसे अब टेस्ट करती हूँ इसे लहराते हुए। ये वेजी बर्गर काफ़ी सिंपल सा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन्होंने इसमें आलू की टिक्की और बहुत सारी मायो, ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा है। मैंने विदाउट चीज़ बनवाया है बट स्टिल ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेरी डिलीशियस। इसमें बहुत सारा इन्होंने मायो यूज़ किया हुआ है और जो इनकी आलू की टिक्की है वो भी काफ़ी क्रिस्पी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी आइटम्स फिनिश कर दी है और सारी की सारी आइटम्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं अपने ऑलमोस्ट सारे फूड आइटम्स टेस्ट कर चुकी हूँ और ये सारे काफ़ी अमेजिंग है। अगर बात करी जाए रेटिंग की तो मैं इसको 10 ही रेटिंग दूंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा कि आपको एक ही आउटलेट पे डिफरेंट डिफरेंट क्यूजींस, आपको चाइनीज़, आपको इंडियन, आपको इटालियन, सब कुछ आपको एक ही आउटलेट पे अवेलेबल है। आपको अगर शेक चाहिए, आपको रिफ्रेशमेंट के लिए मोहितो चाहिए, तो आपको सब कुछ ही एक ही प्लेस पे प्रोवाइड हो रहा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे। मैं आपसे मिलूंगी हमारी नेक्स्ट लोकेशन में विद डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड। टिल देन कीप वॉचिंग इंडिया इट मेनिया। दिस इज मी दिव्या नेगी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।